नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका विनिंग एज स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आज साइंस की क्लास में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। और बच्चों, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इससे दो टॉपिक क्रिएट होते हैं। एक ये तो खुद डिस्प्लेसमेंट और एक दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और प्यारे बच्चों, ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, समझने में बड़ा मजा आता है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इसकी वेटेज भी ज्यादा है, ठीक। और इसके लिए हमें सिर्फ एक सीरीज याद करनी होती है, और अगर हम वो सीरीज याद कर लेते हैं तो ये टॉपिक हमारे लिए बच्चों का खेल बन जाता है, और साथ ही साथ हमारा एक फेवरेट टॉपिक भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्टिंग जब कोई चीज होती है तो उसमें हमारा उसको करने में हमारा मन लगता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो लीजिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग उस सीरीज की बात कर लेते हैं, जिस सीरीज को पढ़ने के बाद हमारी ये समस्याएं आराम से हल हो सकती हैं। जैसे बच्चों, आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज दिख रही होगी, इसे पढ़ते हैं हम लोग क्या बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज। हिंदी में लिख देता हूं, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, हिंदी में अभिक्रियाशीलता अभिक्रियाशीलता श्रेणी का बढ़ता क्रम। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग इस क्रम को पढ़ेंगे तो इससे हमें क्या समझ में आता है? जैसे स्कूल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे जरूर होते हैं जो अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं, मतलब अपने अपनी ताकत का शो ऑफ करते हैं, ठीक है, चाहे ताकत है भी नहीं फिर भी वो शो ऑफ करते हैं। किस प्रकार का शो ऑफ बच्चों? जैसे अगर मान लो कोई बच्चा है, मतलब क्लास के अंदर बहुत बड़ा है और भाई ताकतवर है, तो क्या करता है, आगे बैठे हुए बच्चों को या पीछे बैठे हुए बच्चों को या जहां भी उसका मन कर रहा है बैठने के लिए, मतलब हर रोज कहीं और बैठता है, लेकिन आज उसका मन करेगा कि नहीं जी, आज मैं आगे वाले डेस्क पे बैठूंगा, तो आगे वाले डेस्क के लड़कों से या बच्चों से झगड़ा करके उनको क्या करता है, पीछे भगा देता है। तो क्यों भगा पाया? क्योंकि वो अपने आप में क्या था, ज्यादा स्ट्रांग था। और जो हट गया बच्चा, वो क्यों हट गया अपनी जगह से? क्योंकि वो उसके ताकत के मुकाबले क्या था बच्चों, वो वीक था, इसलिए उसको अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ा, ठीक है। लेकिन बच्चों, अब इन सारी बातों में कुछ बातें कॉमन होती है जो आपको मैं बताना चाहूंगा। जैसे मैंने क्या बताया आपको, ताकतवर बच्चा कमजोर बच्चे को उसकी जगह से हटा देता है और कमजोर बच्चे को हटना पड़ता है। लेकिन इस हटने के दौरान आपने एक बात नोटिस की होगी, जब ताकतवर बच्चा आता है तो वो अपना बैग लेकर आता है और वहां पे रख देता है, यानी क्या हुआ, वो अपनी प्रॉपर्टी लेकर आया और वहां पे रख दिया। लेकिन जब कमजोर बच्चा जाता है तो वो अपना बैग लेके जाता है, मतलब क्या कि अगर वो अपनी जगह छोड़ रहा है तो वो अपनी प्रॉपर्टी उठा के ले जाएगा। तो सेम यही किस्सा बच्चों यहां पे अप्लाई होने वाला है, सेम यही किस्सा यहां पे अप्लाई होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, चार्ज याद हो कर लिए होंगे आपने, मैं पूरी उम्मीद करता हूं अगर आप लोगों ने चार्ज अच्छे से पढ़ लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। अब जिन जिन बच्चों ने चार्ज अच्छे से पढ़ लिए होंगे, इस बात की गारंटी मेरी है कि ये टॉपिक अब आपका फेवरेट बन जाएगा 2 मिनट में। कैसे? देखो, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं बच्चों, ये देखिए, ये है CuSO4, नाम होता है इसका कॉपर सल्फेट, हिंदी में भी यही नाम होता है, ठीक है, ठीक, कॉपर सल्फेट पानी में मिला दिया, एक्वस बन गया, एक्वस बताया ना कल, बताया था AQ, ठीक है। और बच्चों फिर मैंने इसके अंदर ना जिंक डाल दिया, जिंक, जस्ता हिंदी में, ठीक है, जिंक डाल दिया, तो मैंने क्या देखा, अब देखो, अब जरा ध्यान से देखना, SO4 वगैरह को छोड़ो, आप इस लिस्ट में, इस सीरीज में देखो कौन कौन दिखाई दे रहा है, एक तो जिंक दिखाई दे रहा है और एक CU कॉपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जो जितना आगे होगा वो उतना ताकतवर होगा और जो जितना पीछे होगा वो उतना कमजोर होगा, मतलब कहने का ये है कि ये पोटेशियम ना के इन सबको अपनी जगह से हटा सकता है। अब जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम अपने पीछे वालों को तो हटा सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम इन आगे वालों को हटा
नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम इन सबसे ताकतवर है लेकिन इन सबसे क्या है, कमजोर है। तो मैंने क्या बताया, हमेशा ताकतवर ही हटाएगा। ताकतवर मींस रिएक्टिव, जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो जितना ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, वो अपने से कमजोर वाले को हटा देगा, लेकिन अपने से ज्यादा अभिक्रियाशील वाले को अपने से ज्यादा रिएक्टिव को हटा नहीं पाएगा। तो प्यारे बच्चों, जिंक कहां है? जिंक यहां है। कॉपर कहां है? कॉपर यहां है। तो ज्यादा ताकतवर कौन हुआ बच्चों? जिंक हुआ। तो क्या जिंक कॉपर को हटा देगा? जी यस, बिल्कुल आराम से हटा देगा। क्यों? क्योंकि कॉपर कमजोर है और जिंक ज्यादा ताकतवर है। किस चीज में? रिएक्टिविटी में। ठीक है, तो चलिए अब क्या मैंने बताया था भाई, जल्दी बताओ क्या बताया था मैंने, कि जिंक क्या करेगा, ताकतवर है, आके कॉपर को कहेगा भैया निकल ले यहां से। अब बेचारा कॉपर कमजोर तो कमजोर है, तो क्या करेगा, वो भी कहेगा ठीक है भाई मैं जा रहा हूं। लेकिन प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया था, आने में और जाने में एक चीज कॉमन होती है, क्या? अगर कोई आएगा तो अपनी प्रॉपर्टी लेकर आएगा और जाएगा तो अपनी प्रॉपर्टी लेकर जाएगा। तो बच्चों, जिंक जब आएगा तो जिंक का चार्ज कितना होता है, जल्दी बोलो, प्लस टू। ठीक है, जिंक का चार्ज कितना होता है, प्लस टू। किसके साथ जुड़ रहा है? एसओ फोर के साथ। तो बस कैंसिल, एक इसके नीचे एक इसके नीचे, तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा जेड एन एस ओ फोर। और कौन बाहर निकल गया? कॉपर। तो कॉपर अपनी प्रॉपर्टी के साथ निकल जाएगा, सी यू। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जब वो बाहर निकल जाएगा तो इसके नीचे सी यू टू क्यों नहीं लगाते हो? तो बच्चों, टू इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि जब भी किसी अकेले एलिमेंट के नीचे टू लगता है तो वो गैस बन जाता है। तो क्या आपने कभी कॉपर की गैस सुनी है? अब मुझे बताओ, कॉपर की गैस सुनी आपने? कभी नहीं सुनी है। जब आपने कॉपर की गैस, प्यारे बच्चों, नहीं सुनी तो कोई मतलब नहीं बनता कि यहां पर हम नीचे टू लगाएं। ठीक है, वो टू इसके अंदर इनबिल्ट है, जब किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो अपने आप शेयर करेगा। ठीक है, तो ये आपके सामने रिएक्शन है। एक रिएक्शन और देखते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी मैं रहने देता हूं। ठीक है, एक रिएक्शन और देखते हैं। चलिए, जैसे एक रिएक्शन और देखते हैं। ठीक, जैसे ये देख लो बच्चों, ये कराता हूं मैं, सी ए प्लस में ए एल टू ओ थ्री, सी ए प्लस में ए एल टू ओ थ्री। अब जल्दी बताओ बच्चों, सी ए कहां है? सी ए यहां है। ए एल कहां है? ए एल यहां है। तो क्या सी ए एल को हटा देगा? जी बिल्कुल हटा देगा। क्यों? क्योंकि बच्चों, सी ए ज्यादा ताकतवर है, किससे? ए एल से। तो बस गेम शुरू। ठीक है, तो क्या करेगा, सी ए यहां पर आके ए एल को हटा देगा और ए एल यहां से बड़े प्यार से निकल जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, मैंने आपसे क्या बात कही है, कि जब भी कोई चीज जुड़ेगी और जब भी कोई चीज निकलेगी तो अपनी अपनी प्रॉपर्टी के साथ जाएंगे। ठीक, तो सी ए की प्रॉपर्टी कितनी है, प्लस टू। जुड़ किसके साथ रहा है, ओ के साथ, और ओ की प्रॉपर्टी माइनस टू, कैंसिल हो गया, वन इसके नीचे वन इसके नीचे, क्या बना, सी ए ओ, और ए एल तो बाहर निकल जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, ए एल। और नीचे टू मत लगा देना, क्यों? क्योंकि ए एल कोई गैस नहीं है, एल्युमिनियम तो एक मेटल है। ठीक है, पल्ले पड़ रही है बात, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो, फिर इनको मैं आपको आगे कराता हूं, बहुत सारे कराऊंगा, टेंशन मत लो, 10-15 कराऊंगा कम से कम, करो। तो यहां से बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं, CuCl2 प्लस में Pb, ठीक है जी। तो कैसे होगा बच्चों, Cu कहां है, ये रहा, Pb कहां है, ये रहा, तो Pb आगे है, तो इसका मतलब Pb Cu को हटा देगा और Cu बड़े प्यार से हट जाएगा। अब बात आती है चार्ज की, तो चलो भाई, Pb का चार्ज प्लस टू, Cl का चार्ज माइनस वन, एक इसके नीचे दो इसके नीचे, बन गया PbCl2, और बाहर कौन निकला, Cu, तो ये आ गया सी। ठीक है, एक और देखते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे ये देखिए, AgNO3। अच्छा, इसका नाम तो पता है ना, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, इसको लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूं इसको, यहां लिख देता हूं, कॉपर क्लोराइड, और इसका भी लिख दूं, लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड। हिंदी इंग्लिश सब में सेम है नाम, घबराना मत, क्या हिंदी वाले कहेंगे कि भाई सर लिखवा ही नहीं रहे। ठीक है, अच्छा अगला देखो, अगला है
AgNO3, इसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। और इसकी रिएक्शन कराने के लिए बोल रहा है किससे? कॉपर से। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो, Ag कहाँ है? Ag यहां है, और कॉपर कहाँ है? यहां। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉपर ज्यादा ताकतवर है, तो इसका मतलब क्या करेगा? कॉपर Ag को हटा देगा और Ag बड़े प्यार से हट जाएगा। और जब ये हट जाएगा तो बच्चों क्या होगा जी? Cu तो जुड़ रहा है किसके साथ? NO3 के साथ। तो Cu का चार्ज +2, NO3 का चार्ज -1, एक इसके नीचे, दो इसके नीचे। तो कैसे लिखेंगे? Cu, NO3 और नीचे 2, ठीक। प्लस कौन बाहर निकला है? Ag। क्या नाम पड़ा इसका? कॉपर नाइट्रेट। क्या नाम पड़ा? कॉपर नाइट्रेट। क्लियर हो रहा है ना? पल्ले पड़ रहा सभी को? ठीक है, अब कुछ मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, मुझे जल्दी से करके दिखाओ। ठीक है, एक दिया मैंने आपको Fe प्लस में HCl, ये आपको करना है। एक और देता हूं, Mg प्लस में HCl, ठीक है। एक ये दे देते हैं CuSO4 प्लस में Mg, ये खुद हो जाने चाहिए आप लोगों से, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान से दे रहे हैं आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और देखो, और कुछ रह गया? हाँ, Fe2O3 प्लस में Al, ठीक है। तो ये चार रिएक्शन मैंने दिया आपको करने के लिए, तो इजी तरीके से कर लीजिए, ठीक है। नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। हाँ जी बच्चों, तो वो नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। अब एक पार्ट और है इसी का, जरा वो और देख लो, ठीक है। अब जैसे मैंने आपके सामने ले लिया बच्चों ZnSO4 प्लस, और क्या ले लिया साथ में? कॉपर। जल्दी बताओ क्या रिएक्शन होगी, जल्दी बताओ क्या रिएक्शन होगी। अब देखो इसकी ना बच्चों रिएक्शन होगी ही नहीं, इसका आंसर होगा नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। जितने बच्चों का यह आंसर आया है तो समझ लीजिए कि उन बच्चों को समझ में आ गया है कि उन्हें पढ़ना क्या है। कैसे? अरे देखो यार, यहां कौन है? जेडन है। यहां कौन है? कॉपर। तो क्या कॉपर में जरा से भी ताकत है कि जिंक को हटा दे? अरे नहीं है, क्योंकि जिंक ज्यादा ताकतवर है, कॉपर कम ताकतवर है। तो कॉपर जब ज्यादा ताकतवर है ही नहीं, तो इसको हटा कैसे पाएगा? वो हटा ही नहीं पाएगा। और जब हटा ही नहीं पाएगा तो आंसर क्या होगा? नो रिएक्शन। ध्यान रखना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दे दिए जाते हैं, ठीक है। बाद में ये मत कहना कि सर ये क्या दे दिया इन्होंने, सर ने एग्जाम में देखो कैसे आ गया, ये रिएक्शन था नहीं, हमने जल्दबाजी में फटाफट ये उतार दिया। तो जितने बच्चों ने जल्दबाजी में फटाफट लिख के रख दिया होगा ना आंसर, वो ध्यान दें कि बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज मैंने जानबूझ के लिखवाई है, और वो इसीलिए लिखवाई है ताकि आप ऐसी माइनर गलतियां ना करें, ठीक है। रिएक्शन करने को ये नहीं कि कुछ भी करके पटक दो, ऐसे नहीं, बिल्कुल क्या करना है, तरीके से, सलीके से सब कुछ, एक एक चीज सीखनी है। और जो चीज आपको यहां पे ये सिखाई जा रही है ना, उस चीज को बिल्कुल अपने आंखों से, बिल्कुल दिमाग तक उतार देना है कि हाँ जी हमने देख लिया, अब एक एक चीज मुझे याद है। चाहे टीचर कितना भी उलझाने की कोशिश करे आपको, एग्जामिनर कितना भी उलझाने की कोशिश करे आपको, आपको उलझना नहीं है, आपको देखना है, तरीका समझना है और खत्म करनी, ठीक। ये क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, बिल्कुल एज इट इज, लेकिन हाँ इसका थोड़ा सा वेरिएशन होगा, इसमें थोड़ा सा क्या होगा? वेरिएशन, चेंज होगा, ठीक है। तो वो क्या चेंज होगा? जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो अच्छे से बात करेंगे कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल हमें रिएक्शन समझना था, वो हमने समझ लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और हाँ, इसकी डेफिनेशन के लिए 3 लाइनें जरूर छोड़ देना, ठीक है, चाहे भले लास्ट में छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब बात आती है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन तो बच्चों मैं आपको बता दूं, डेफिनेशन इसकी ये है कि जब कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड के एलिमेंट को, या तो चलो मैं प्रॉपर इंग्लिश में प्रॉपर हिंदी में बता देता हूं, जैसे हिंदी में बता देता हूं, जब कोई तत्व किसी यौगिक के तत्व को विस्थापित कर देता है, जब कोई तत्व किसी यौगिक के तत्व को विस्थापित कर देता है, तो उस अभिक्रिया को
विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, और इंग्लिश में व्हेन अ एलिमेंट डिस्प्लेस डिस्प्लेस द एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या शुरू करते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या लिख देंगे यहां पर? आगे लिख देंगे डबल, बस क्या लिख देंगे? डबल, हिंदी में लिखेंगे द्वि, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। जैसे बच्चों मैं एक एग्जांपल लेता हूं, AgNO3 प्लस, ठीक है, NaCl। बच्चों ये दो कंपाउंड है आपके पास, दो यौगिक हैं आपके पास, ठीक है। इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, जैसा कि पहले बात हो चुकी है हिंदी इंग्लिश दोनों में। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मेरी बात पल्ले पड़ रही सभी को? सिल्वर नाइट्रेट और क्या है भाई? सोडियम क्लोराइड, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो नाम सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आपको करना क्या है? अब मैं आपको एक बात ध्यान से समझा दूं बच्चों, कोई भी कंपाउंड, इस दुनिया का कोई भी कंपाउंड जब भी बनता है ना, तो उसमें आगे वाला कंटेंट हमेशा प्लस का चार्ज लेता है, जबकि पीछे वाला कंटेंट हमेशा माइनस का चार्ज लेता है, जिसे हम लोग अनायन कटायन इस तरीके से नाम देते हैं, ठीक है। तो अभी आपके लिए अनायन कटायन समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन प्लस माइनस सबके लिए एक कॉमन वर्ड है, तो इसलिए भाई मैं आपके सामने प्लस माइनस की ही बातें करूंगा, ठीक है। अच्छा तो बच्चों मैंने क्या बताया आपको कि जैसे ये कोई एक कंपाउंड है, एक यौगिक है, तो बच्चों याद रखना ये जो आगे वाला एजी है ना, ये ऑलवेज प्लस ही होगा, और NO3 जो होगा वो माइनस ही होगा। अब बात आई इसकी NaCl की, तो NaCl में आगे कौन है? Na, ये प्लस का होगा, और पीछे कौन है? Cl, तो ये माइनस का होगा। ये हमेशा होता है, इसमें आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, या कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, ये होता ही यही है। अच्छा अब कुछ बच्चों को रीजन चाहिए तो रीजन मैं बता सकता हूं। अरे भाई आपने देखा होगा जब मैंने चार्ज लिखवाए होंगे तो Ag का चार्ज किसमें रहा होगा? प्लस में। NO3 का चार्ज किसमें रहा होगा? माइनस में। Na का चार्ज किसमें रहा होगा? प्लस में। तो बच्चों ये ऑलरेडी प्लस में ही होते हैं, इनके कैरेक्टर ही यही होते हैं। अब इसमें हमें रट्टा मारने की या जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना पता है कि हमेशा आगे वाला प्लस का ही होता है और पीछे वाला माइनस का ही होता है। क्यों? क्योंकि भाई इनके चार्ज ही ऐसे होते हैं, ठीक है। अच्छा अब करना क्या है, सीखना क्या चाहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में? डबल डिस्प्लेसमेंट में बस ये सीखना चाहते हैं कि ये जो इसका प्लस वाला है ना, वो इसके माइनस के साथ जुड़ेगा, और जो इसका प्लस वाला है वो इसके माइनस के साथ जुड़ेगा। ध्यान से देख लेना मैंने क्या किया है, मतलब इधर वाले का प्लस वाला चार्ज उधर वाले के माइनस के साथ जुड़ेगा, और इधर वाले के प्लस वाले का चार्ज इधर वाले के माइनस के साथ जुड़ेगा। लेकिन इन सब कंटेंट, इन सब बातों में एक बात कॉमन रहेगी, प्लस वाला हमेशा आगे ही रहेगा और माइनस वाला हमेशा पीछे ही रहेगा, ठीक है। चाहे इनकी प्लेस आगे पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा देखो कैसे, मैंने क्या बताया, इधर का प्लस वाला कौन है? Ag। उधर का माइनस वाला कौन है? Cl। तो Ag का प्लस वन होता है, Cl का माइनस वन होता है, तो ये बन जाएगा AgCl। कोई दिक्कत? अच्छा अब इधर के प्लस वाले को इधर के माइनस वाले से, तो प्लस वाला तो आगे रखेंगे प्लस वन, NO3 का क्या है? माइनस वन, एक इसके नीचे एक इसके नीचे, क्या बना? NaNO3। नाम क्या पड़ा? सिल्वर क्लोराइड। नाम क्या पड़ा? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। समझ में आया तो ठीक, वरना एक और देखो, ठीक है एक और देखो। जैसे BaCl2 प्लस में Na2SO4, ये ले लिया हमने, ठीक है। इसका नाम है बेरियम क्लोराइड। क्या नाम है? बेरियम क्लोराइड, हिंदी में भी यही नाम है। और इसका सोडियम सल्फेट। क्या नाम है? सोडियम सल्फेट, हिंदी में भी यही नाम है। अच्छा अब मैंने क्या बताया था, जल्दी बोलो, आगे वाला प्लस का पीछे वाला माइनस का, आगे वाला प्लस का पीछे वाला माइनस का, ठीक है। होगा क्या? इधर के प्लस वाले को इधर के माइनस वाले से, और इधर के प्लस वाले को इधर के माइनस वाले से, ठीक है। अब चार्ज मैंने सबके लिखवा ही रखे हैं, तो आपको चार्ज याद रखना है। हाँ जी, बेरियम का चार्ज कितना लिखवाया था मैंने? प्लस टू। सल्फेट का चार्ज कितना लिखवाया था मैंने? माइनस टू। कट गए, एक इसके नीचे एक इसके नीचे, क्या बना?
BaSO4। अच्छा अब Na इधर प्लस का, Cl इधर माइनस का, तो Na को पहले रखेंगे प्लस वन, Cl को बाद में माइनस वन। काटने की जरूरत नहीं है, क्या बना NaCl। नाम बताने की जरूरत है, नाम क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट, और इसका तो पता ही है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आपको ये देखना है। ठीक है, नोट करो फिर और क्वेश्चंस करवाता हूं। तो लीजिए बच्चों एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये देखते हैं, ठीक है, AlCl3 प्लस NH4 और क्या है OH, ये ले लिया प्यारे बच्चों हमने। नाम बताऊं, इसका नाम है एल्यूमिनियम। तो नाम था एल्यूमिनियम क्लोराइड और इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, ये नाम है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है। अच्छा फिर से वही वाली बात, क्या पहला प्लस दूसरा माइनस, ये प्लस माइनस, इसके प्लस को इसके माइनस से, इसके प्लस को इसके माइनस से, यही करेंगे। चलिए बताइए। हाँ जी, तो Al का कितना होता है +3, OH का कितना होता है -1, एक इसके नीचे तीन इसके नीचे, बन गया AlOH3 thrice। ठीक है, प्लस अब क्या है NH4, NH4 का कितना होता है +1, Cl का -1, एक इसके नीचे एक इसके नीचे, क्या बना NH4Cl। नाम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और इसका अमोनियम क्लोराइड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और करा रहा हूं, एक एग्जांपल और करा रहा हूं, उसके बाद आपको दूंगा करने के लिए। ठीक है, PbNO3 twice प्लस Ki प्लस के आई, यही है। हाँ जी ठीक है, नाम इसका नाम तो अच्छे जानते होगे, पहचान गए होगे, लेड नाइट्रेट, याद है उसमें डीकम्पोजिशन में करवाया था। और इसको कहते हैं पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, हिंदी में भी यही नाम है पोटेशियम आयोडाइड। इसका लेड नाइट्रेट, क्या नाम है इसका? लेड नाइट्रेट। ठीक है चलिए शुरू करते हैं। अब आपको अच्छे से पता है क्या करना है यार, प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, इसका इसका प्लस इसका माइनस। ठीक है चलिए, तो क्या होगा जल्दी बोलो, पीबी का +2 और आई का -1, एक इसके नीचे दो इसके नीचे, तो क्या बना PbI2। फिर के का भी +1 और NO3 का -1, तो क्या बनेगा KNO3, KNO3। इसका क्या बना, नाम क्या बनेगा? लेड आयोडाइड, क्या बनेगा? लेड आयोडाइड। जबकि इसका क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। पल्ले पड़ रहा है ना सभी बच्चों को? अरे एक ही काम बार बार कर रहा हूं बस। इसमें देखो, हाँ इसको, इस क्वेश्चन को करने का ना तरीका हमारे पास जो है वो एक ही है, और वो तरीका क्या है, अगर आप लोगों को चार्ज याद है, आवेश याद है, ये जो मैंने चार्ज लिखवाया ना, अगर ये याद है तब तो आप भाई कोई सा भी मतलब रिएक्शन बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर दोगे। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप लोगों ने चार्ज याद नहीं किए हैं तो कृपया करके प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि बच्चों अब आप लोग चैप्टर खत्म करना शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, उसको पढ़िए। क्योंकि जब तक वो नहीं पढ़ेंगे तो आप ये मत सोचिए कि हाँ भाई हम रिवाइज कर लेंगे ये। क्योंकि देखो बच्चों में इतना पता है, अगर आप लोगों ने सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सुना है ना, तो बूंद बूंद से घड़ा भरने का मतलब क्या है वहां पे? वहां पे मतलब ये है, मैं समझाता हूं आपको, कि प्यारे बच्चों अगर 100 पेज की किताब है आपके पास, अगर कोई टीचर रोज एक पेज आपको पढ़ा रहा है तो 100 दिन बाद ना वो 100 पेज हो जाएंगे। ठीक है, और अगर टीचर ने पहले दिन पहला पेज पढ़ाया और स्टूडेंट ने भी हाथों हाथ पहला पेज रिवाइज कर लिया, तो वो टीचर के साथ साथ चलता चला जाएगा और सीखता चला जाएगा। लेकिन टीचर ने पहला पेज कराया, बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है जी, ठीक, पढ़ना शुरू कर दिया बस,
दूसरा तीसरा पांचवा, टीचर 10 पेज में पहुंच गया। जब टीचर 10 पेज में पहुंचा तब बच्चा कह रहा है अरे यार अब तो समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो गया, चलो रिवाइज करते हैं। तो टीचर रहेगा 10वें पेज में, बच्चा रिवाइज कर रहा होगा पहले पेज का, तो दोनों के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस हो जाएगा कि उन दोनों को मीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल। इसलिए कह रहा हूं प्यारे बच्चों, आपको जो भी चीज समझाई जा रही है अच्छे से सीखिए, और जो नहीं समझ में आ रहा है मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। अभी मैं एक बच्चा है, मैंने जैसे कि पहले भी उसका नाम लिया आशीष, उससे मैं बहुत खुश हूं। वो बच्चा लगातार होमवर्क अपना भेजता रहता है, मैसेज करता रहता है, और बहुत सारे अलग टाइप के, ये नहीं कि जो मैंने करा दिया उन्हीं को, अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चन सेंड करता है। तो एक उस बच्चे से ये सीखना चाहिए कि लॉकडाउन का फायदा कैसे उठाया जाता है, तो आप भी उठाइए, ठीक है। चलिए, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। वो आप घर से करके लेकर आएंगे, फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ये चैप्टर खत्म करा दूं, हद से अधिक ये 2 क्लास का और रह गया अब, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे ये दे देता हूं मैं आपको एक, CuSO4 प्लस H2S, ये करके लाइएगा। एक और देता हूं, BaCl2, BaCl2 प्लस में CuSO4, ये करके लाना एक, ठीक है। एक और देता हूं, NaCl प्लस में Al2O3, ठीक है। एक और दे देते हैं, क्या दे दें, KOH प्लस में NaCl, ठीक है। यह काम करते हैं, Na2SO4 ये लो, ठीक है। और एक दे दूं, ये ले लो भाई, CaO प्लस में AlCl3, ठीक है। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन करके लेकर आना, ठीक। तो ये 5 क्वेश्चन दिए मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट के, तो ये करके लेकर आना। आज की क्लास में यहीं ओवर कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, और पूरी कोशिश रहेगी कि अब 2 क्लास के अंदर मैं इस चैप्टर को क्या कर दूं, खत्म कर दूं, और फिर नेक्स्ट मंथ में नया चैप्टर, सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। थोड़ा लेंथी है, क्या करें, लेकिन बच्चों करना पड़ेगा, ठीक है। और धीरे धीरे अब मैं क्लासेस लंबी लेना शुरू करूंगा, क्योंकि बच्चों कोर्स हमारा थोड़ा सा पीछे हो गया है। हर साल अप्रैल के मंथ में ही मैं फर्स्ट चैप्टर खत्म करा के सेकंड चैप्टर शुरू कर देता हूं, लेकिन अब देख लीजिए क्या समस्या आ गई है कि अप्रैल और मई गुजर चुका है और अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, जून में मैं सेकंड शुरू करूंगा। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जून के अंदर आपको सेकंड चैप्टर और बायोलॉजी का 6th चैप्टर शुरू करा दूं, ठीक है। तो रेडी रहिए, तैयार रहिए और सीखते रहिए। चलिए, बाय।